तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए टॉप 3 बेस्ट MIUI 12 थीम्स ऑफ द डे की एक और न्यू स्पेशल वीडियो। और इस तरह की वीडियो में बात करते हैं काफ़ी अमेजिंग कूल यूनिक थीम्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसी थीम्स की सर्च में हैं जिनमें आपको काफ़ी अच्छा लॉक स्क्रीन, काफ़ी अच्छा होम स्क्रीन, काफ़ी अच्छा सेटिंग डायल पैड UI देखने को मिल जाए या काफ़ी अच्छा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाए, डार्क मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, तो आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ अमेजिंग थीम्स हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 100। आई होप कि आप इसे आसानी से कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट थीम है काफ़ी अमेजिंग थीम है। तो यहाँ पर थीम ऐप पर जा कर के ये सभी थीम आपको मिल जाएंगी। जो फर्स्ट थीम है इसे आप बाई नेम सर्च कर सकते हैं। इसका नाम है निंजा सारुतोबी। और ये देखिए अप्लाई करने के बाद होम स्क्रीन पर आपको ये निंजा वाला वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर बात करें तो ये काफ़ी डार्क से लुक के साथ में आता है। और यहाँ अगर हम चलते हैं तो आपको जो कंट्रोल सेंटर है देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी यूनिक स्टाइल का देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो वो भी आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा। डायल पैड की बात करें तो डायल पैड आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा डार्क बैकग्राउंड में है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें सेटिंग UI की तो सेटिंग UI भी आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर आइकन वगैरह जो पूरा डार्क बैकग्राउंड, तो काफ़ी कलरफुल से आइकन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और अबाउट इन्फो में जा कर के ये आपको कुछ लुक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो जेस्चर हैं ब्लू कलर के काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलते हैं, तो अगर आप जेस्चर यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छी थीम है। साथ में यहाँ पर जो डार्क मोड में अभी आपने लुक देखा है, अब आप लुक देखिए इसका जो नॉर्मल मोड है उसमें आपका जो सेटिंग UI जो डायल पैड UI है उसमें आपका वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये डार्क मोड को सपोर्ट करने वाली काफ़ी अच्छी थीम है जिसमें आपको इसके जो आइकन वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको आइकन किसी वजह से पसंद नहीं आते हैं तो आप कस्टमाइज वाले ऑप्शन पर जा कर के इसे अपने मन मुताबिक आइकन रख सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर चलें तो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। बॉटम में देखेंगे तो आपको डायल पैड, मैसेजिंग और डबल टैप करते ही आपका म्यूजिक कंट्रोल वाला ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप लॉक स्क्रीन से ही म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरवर्ड, पॉज, जो भी करना हो वो कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर की थीम है उसकी बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस थीम का आप थीम ऐप पर बाई नेम सर्च कर सकते हैं। स्क्रीम नाम से आपको सर्च करना है। स्क्रीम नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये थीम मिलेगी। आपको डाउनलोड करना है, अप्लाई कर लेना है। तो देख ही पा रहे होंगे काफ़ी स्कैरी सा वॉलपेपर है, काफ़ी अच्छी क्लॉक विजिट दी गई है। यहाँ पर बात करें कंट्रोल सेंटर की तो काफ़ी येलो से आइकन के साथ में कंट्रोल सेंटर, काफ़ी डार्क सा लुक भी है। और यहाँ पर हम बात करें डायल पैड की तो देख सकते हैं इस तरह का डायल पैड देखने को मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में आप देख पा रहे होंगे ये कुछ आपको डिवाइडर टाइप के देखने को मिलते हैं। सेटिंग का जो पूरा UI है वो आपका चेंज हो जाता है। और अबाउट इन्फो में जाने पर भी आपका जो लुक है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये लुक आपने देखा था नॉर्मल मोड का, अब ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करती है तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही डार्क मोड को इनेबल करेंगे उसी तरह से यहाँ पर जो सेटिंग का जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा, डायल पैड का भी बैकग्राउंड होगा वो भी डार्क हो जाएगा। और लॉक स्क्रीन पर अगर आप चलते हैं तो ये कुछ चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है पार्टिकल टाइप का। और ये कुछ एनिमेशन आपको अनलॉकिंग वाला देखने को मिलता है, जब भी आप फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो ये कुछ रेड कलर का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको डबल टैप करने पर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन आता है तो इससे आप अपने म्यूजिक को लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अब इस लिस्ट की जो लास्ट थीम है नंबर 3 थीम, तो इसमें ये देखिए स्यूडो हाउसकीपर नाम से आपको थीम ऐप पर सर्च कर लेना है। और इन सभी के लिंक अगर हो सके तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिलते हैं तो। इसमें आपको मिल जाता है होम स्क्रीन पर वाइट सा वॉलपेपर और यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो तो आपको नॉर्मल लुक में देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर जो डायल पैड है वो भी देखिए यहाँ पर नॉर्मल है। अब सेटिंग में चलते हैं तो सेटिंग में भी आपको नॉर्मल लुक देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या है इस थीम में जो इस थीम को खास बनाता है? तो यहाँ पर देखिए डार्क मोड का भी सपोर्ट नहीं है, पर इसमें एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए क्योंकि यहाँ पर जो आइकन है ये मुझे थोड़े से अच्छे लगे। साथ में यहाँ पर अगर आप लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पर काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं,
चलिए लॉक स्क्रीन पर चलते हैं। तो लॉक स्क्रीन इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ये हर्ट वाला, तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये सर्कल टाइप का दिखेगा, यहाँ पर जैसे टैप करते हैं उसी तरह से ये एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी एनिमेटेड लॉक स्क्रीन अगर आपको पानी है तो इस थीम की मदद से आप पा सकते हैं। इसमें आपको डायल पैड, मैसेजिंग, फेसबुक, क्रोम और इसमें डबल लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, जिनमें काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आप बाद में देख सकते हैं कि उनमें क्या क्या अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिजिटल क्लॉक है, पावर का है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अमेजिंग बना देती हैं इसकी लॉक स्क्रीन को। तो दोस्तों, अगर इन थीम में से कोई भी थीम पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।